अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो है एक छोटे से सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर का वीडियो, जो मैंने अपने हस्बैंड और स्पेशली अपने बच्चों के लिए प्लान किया था। और इस तरह के सरप्राइजेस के लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे रेस्टोरेंट जाओ या बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करो। आप घर पर ही थोड़ा सा एफर्ट डालकर ये सरप्राइजेस प्लान कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं मैंने अपने कैंडल लाइट डिनर में क्या क्या प्रिपेयर किया था। आप देख रहे हैं फैज़िया फूड एंड ब्लॉग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ मीठा, क्योंकि मीठा तो किसी भी सरप्राइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं मीठे में मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड मैंगो पुडिंग। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए हमें सबसे पहले कस्टर्ड प्रिपेयर कर लेना है, जिसके लिए मैंने 2 कप मिल्क को बॉयल कर लिया और उसमें मैंने 1/2 कप शुगर ऐड करी है। और दूसरी तरफ मैंने 1 कप में कस्टर्ड पाउडर को, जिसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था, मैंने उसे घोल लिया है, वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें कस्टर्ड मिक्स कर दिया और ये हमारा फटाफट से कस्टर्ड रेडी हो गया। अब मैं चिकन को मैरिनेट करने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ दिल्ली का असलम बटर चिकन, जो कि बहुत ही मशहूर है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चिकन को फर्स्ट मैरिनेट किया, जिसमें मैंने लेमन और नमक को लगाकर चिकन को मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया। मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़त्म हो गया था तो मैं इसे फ्रेशली बना ले रही हूँ। तो इसका पेस्ट रेडी करके हम इसको चिकन में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच दही। अब इसमें साथ ही साथ जाएगा ज़ीरा पाउडर, चिली पाउडर, काला नमक और चाट मसाला। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब हमें इसको साथ साथ में पूरा इसको हमें मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं इसमें चिकन का टिक्का मसाला भी ऐड कर रही हूँ। आपके पास में जो भी टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला हो आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद इसको आप जितनी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे उतना ही अच्छा है। अब मैं अपने मैंगो कस्टर्ड पुडिंग जो मैंने बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैं ब्रेड को कट कर रही हूँ। मैंने ब्रेड के साइड्स को कट कर लिया है। और मेरा कस्टर्ड भी थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब मैंने इसमें मैंगो की प्यूरी मिक्स कर दी है, 4 बड़े चम्मच मैंने। अब हम इसको चलिए असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी लेयर मैंने कस्टर्ड की लगा ली है और उसके बाद मैं उसके ऊपर ब्रेड के पीसेस को अरेंज कर लूँगी। और इसी तरीके से हमें दूसरी लेयर भी अपनी लगा लेनी है। तो अब हम इसको 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। थोड़ा सा ऊपर से मैंने और मैंगो प्यूरी ऐड कर दी है। अब मैं मैंगो जेली बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने अनफ्लेवर्ड जेली को लेकर उसमें एकदम हॉट वाटर ऐड कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी मैंगो प्यूरी और शुगर ऐड कर लूँगी और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसे रख देंगे सेट होने के लिए। इधर मैं जो चिकन मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसके साथ में हम बनाने जा रहे हैं बटर नान। इसके लिए मैंने ले लिया है 2 बड़े कप मैदा। इस ज़्यादातर मैं नान हमेशा इंस्टेंट ईस्ट से ही बनाती, लेकिन आज मैं विदाउट ईस्ट अपनी बटर नान बनाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, शुगर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इसके भी इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। फिर इसमें जाएगा 1/2 कप दही और 2 टीस्पून इसमें जाएगा ऑयल। और हमें हल्के गुनगुने पानी से इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना। डो ज़्यादा गीला या कड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं जा रही हूँ चिकन को फ्राई करने के लिए। तो मैंने इसके लिए 2 पैन ले लिए हैं और इसमें मैंने 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर भी साथ में ऐड किया है। और अब मैं इसको जा रही हूँ फ्राई करने के लिए। इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर
इसको मैं इस तरीके से बिछा दूंगी। एक तरफ से कुक होने के बाद हमें इसको पलट लेना है कि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। इसको मैंने बीच में कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर भी पकाया था, जिससे कि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। अब चलते हैं हम नान बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें जितनी बड़ी नान बनानी है उतने बड़ा हम इसका पेड़ा बना लेंगे, और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने कटी हुई हरा धनिया या आप कलौंजी भी लगा सकते हैं, उसको लगाकर हमें इसको बेल लेना है। और मैंने नान बनाने के लिए एक पुराना फ्राई पैन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी आयरन का तवा यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एक साइड पर मैंने पानी लगाकर इसको मैं पैन में डाल दूँगी और इसको ढक दूँगी, जिससे कि वो अच्छी तरीके से बेक हो जाए। देखिए थोड़ी देर के बाद इसमें अच्छे से फूल गई है, अब हम इसको पलट कर सेक लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी नान बनकर रेडी हो गई है। इसके ऊपर से हम बटर लगा देंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट रहे। दूसरी तरफ बच्चे गए हैं नीचे मेरे हस्बैंड के साथ में खेलने के लिए, तो मैं तब तक अपने कैंडल लाइट डिनर के लिए टेबल रेडी कर ले रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा रेडी किया है। आप और भी चीज़ें, आप और भी इसमें एफर्ट डाल सकते हो। मुझे तो जो समझ में आ रहा था, जो अवेलेबल था, मैंने उससे अपनी टेबल रेडी कर ली है। अब ये पुडिंग सेट हो गई है, तो इसके ऊपर हमें एक फ्रेश क्रीम की लेयर भी लगानी है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है फ्रेश क्रीम ले लिया है, और उसमें मैं थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी। वैसे आपको इसमें कंडेंस मिल्क का यूज़ करना है, मेरे पास में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने शुगर ऐड कर दी है। और ये भी लेयर हम उसके ऊपर डाल देंगे, और जो हमने जेली को प्रिपेयर किया था वो भी हम इसके ऊपर कट करके हम इसे लगा देंगे, और इसे हम फिर से फ्रिज में एक घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़े से मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दे रही हूँ। मैंने पिस्ता ऐड किया, आपको जो ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है आप उस पर डाल सकते हो। अब मैं चिकन के लिए भी क्रीम प्रिपेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच दही लिया है, और उसमें मैं कुकिंग क्रीम को ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा चाट मसाला और धनिया पुदीने की चटनी जो आप घर पर बनाते हैं, तो वो इसमें जाएगी। इसके बाद जो हमने चिकन को फ्राई किया था, हम इसे इस जाली पर रखकर दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लेंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। ये देखिए ये हमारा चिकन भी रेडी हो गया है। अब हम इसे एक बोल में डाल लेते हैं। वैसे तो ये चिकन दिल्ली का जो असलम बटर चिकन है वो तसले में सर्व होता है, लेकिन मेरे पास में स्टील का तसला नहीं है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने चिकन को इसमें डाल लिया। अब मैं इसके ऊपर से चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। इसके बाद हम जो हमने क्रीम जो हमने प्रिपेयर करी थी वो हम इस पर पूरी अच्छे से पोर कर देंगे। और अब हम तकरीबन 100 ग्राम बटर को हमें स्लो फ्लेम पर हमें मेल्ट कर लेना है, और उसको भी हम जब हमें सर्व करना है तो हम उसके ऊपर डायरेक्टली हम इस पर पोर कर देंगे। तो ये लीजिए हमारा तैयार हो गया है दिल्ली का स्पेशल असलम बटर चिकन, तसला बटर चिकन उसको भी बोलते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया है, और अब मैंने टेबल भी लगा ली है, और बच्चे और हस्बैंड भी आ गए हैं। यूसुफ बहुत हैप्पी है ये सब चीज़ें देख कर। तो मैंने कैंडल्स भी सब जला ली हैं, ये देखिए। और ये हमारा चिकन और ये हमारी पुडिंग भी रेडी हो गई है। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ और रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।